किया भूत रद्द करके पलट आया। उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाई तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। और लेकिन एक ही लक्ष्य था, 2024 में मोदी जी को रोकना। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके, कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलके 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर, सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटस के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ हैं, लेकिन याद कीजिए सिवान की जनता से हम पूछ रहे हैं। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? हमने गांधी मैदान में लाखों की तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज है देश में, भारत सरकार हो या भूलना नहीं है, वो भी आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो पटना आप लोग, सिवान की जनता भारी संख्या में आप सब लोग पहुंचने का वहां काम कीजिए। और हम माले के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, सीपीआई सीपीएम सभी पार्टी के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। और सब लोगों को, आप सब लोग आइए पटना और हम सब लोग चलिए एक नया बिहार बनाने का आगाज हम लोगों ने किया है। मिलकर के एक नया बिहार हम लोग मिलकर के बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना तेजस्वी, हाथ उठा करके बताइए मिलेगा। आज देखिए हम लोग लंबी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके रहिए, आपस का मतभेद को मिटाइए, सबके प्रति सम्मान रखिए, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे महादलित हो या पिछड़े हो, सब क्यों आप लोग साथ लेकर के चलने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को, आप सब लोगों को